आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं, उन्हें एक समय खाना सोने का समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा ना होने के कारण आलस से परेशान है। वो अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं रखते। उन्हें हर समय थकान और नींद आने लगती, इसलिए वो पूरी तरह सशक्त नहीं होते, जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे वो भी आगे जिंदगी में कुछ कर सके और जिंदगी सफल बन सके। अगर आपको अपने आलस को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर के अंदर ना रहने के अलावा बाहर की दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहना और कुछ बनाने का हुनर ही आपको आलस से दूर कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आलस को दूर कैसे करें, इसके 10 बेहतरीन तरीके। आलस कई प्रकार से आ सकता है। किसी को तो सब कुछ होने के बावजूद भी आलस आता है, और किसी के पास कुछ ना करने से आलस आता है। कभी कभी यह नकारात्मक सोच भी हमें आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच आपको आलसपन से दूर कर सकती है। एक सकारात्मक सोच जिंदगी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आपको ना तो आलस से आएगा ना ही नींद, बस कुछ करने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच लाने के लिए आप ऐसे लोगों के बीच जाएं जो सकारात्मक सोच रखते हो और वही बात करते हो। इससे आपके अंदर भी एक ज्वाला आएगी और आप भी कुछ बनाने के लिए तैयार रहेंगे। आलस्य को निकालने के लिए आपको घर के अंदर से निकलकर बाहर देखना चाहिए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। कहते हैं अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी समस्या उसके आगे पीछे नहीं आती। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो वह चकित नहीं होता है, बल्कि कुछ करने की सोचता है। इसी तरह अगर आपको आलस्य को दूर करना है तो जागो और अपने हुनर को जगाओ। कुछ कर दिखाने का समय है, यह सुस्त और सोने का समय नहीं है। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। कोई भी व्यक्ति आलस्य से इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसे मोटिवेशन की कमी होती है। आपको खुद प्रेरित होना पड़ेगा, इससे आपका दिल भी कुछ करने का सोचेगा और आपको एक जुनून मिल जाएगा कि जो कुछ मैं कर सकता हूं। आप अपने काम को बढ़ावा देने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व के बारे में पुष्टि और सोच के माध्यम से अपनी प्रेरणा को मजबूत कर सकते हैं। ये सबको पता है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। एक समय में आदमी क्या से क्या कर सकता है, जो कि हम इस आलसपन के वास्ते करते जाते हैं। ये सोचकर चले कि जितना आप समय खराब कर रहे हैं उतना ही आप अपनी जिंदगी के पैसों को खर्च कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। सोच नेगेटिव हो तो व्यक्ति का दिल और मन उसकारी से हट जाते हैं, परिणाम स्वरूप काम करने का दिल नहीं करता, आलस से भारी होने लगते हैं। इसलिए किसी भी काम के अंत के बारे में ना सोचे, पूरी हिम्मत के साथ डटे रहे। ऐसा कौन सा कार्य संभव नहीं है जो मनुष्य ने नहीं किया। सुबह की सैर में बहुत ताकत होती है, ये शरीर के आलसपन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बजे अपने बिस्तर से निकले और बाहर खुली हवा में जाए, नंगे पांव हरी घास में चले। इससे आपको दोनों तरफ से नमी मिलेगी जो कि बंद कोशिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं, ये हमें आंतरिक रूप से साफ और शुद्ध करता है। आलस्य हमारे द्वारा भारी भरकम और असंतुलित खाने से भी होता है। अगर हमें 4 रोटियों की भूख लगी है तो हम एक और ज़्यादा खा लेते हैं, इससे हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है और यह अनावश्यक भोजन हमारे आलसपन को ज़्यादा बढ़ाता है। याद रखें अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ना केवल तनाव होता है बल्कि हम खुद को इस कदर उन चीज़ों में उलझा लेते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही तो एक वजह है कि जब हमारे पास नकारात्मकता बहुत ज़्यादा दिखने लगती है तो हम बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। अगर एक नकारात्मक विचार मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है, उसे उस दौरान किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकारात्मक विचार बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो इन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें।
हम मानते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपका मन उसे करने में टाल मटोल करेगा, लेकिन इसके बाद भी उस पक्ष के पहलू को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत। नकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीना बेहद मुश्किल होता है। अगर मन में लंबे समय तक नकारात्मक विचार बने रहे तो इसका न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि दूसरों से जलन की भावना भी पैदा हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहा जाए, तभी आप आलसपन से बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, एक आलसी बालक था। वह कभी भी अपना कार्य नहीं करता था। वह हमेशा विद्यालय नहीं जाता और अपनी कक्षा का कार्य भी सही प्रकार से नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, और मन में ख्याल आता है कि आज मैं बगीचे यानी पार्क में घूमने जाता हूँ। जैसे ही वह पार्क में जाता है, वहाँ गेंद से खेलने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि पार्क में कोई नहीं था, एक भी प्राणी वहाँ नहीं था सिवाय उस बालक के। उसने एक पेड़ पर कौवे को बैठा देखा और कौवे से बोला कि यहाँ आकर मेरे साथ खेल खेलो। तो फिर कौवा कहता है, अरे बालक, इस समय मैं लोगों को उठाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, छुट्टी के बाद तुमसे मिल पाऊँगा। फिर क्या, वो बालक नाराज हो जाता है और बगीचे में कबूतर को देखता है। कबूतर से कहता है, अरे मित्र आओ मेरे साथ खेल खेलो। कबूतर कहता है, आज मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बालक नाराज हो जाता है और वहीं पर एक भंवरे को देखता है और भंवरे से कहता है, क्या तुम प्रतिदिन ये फूलों का रस इकट्ठा करते रहते हो, आओ आज मेरे साथ थोड़ा खेल खेलो। भंवरा कहता है, यदि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा तो फिर मैं फूलों से शहद कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा, तो मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर उसे एक चींटी दिखाई देती है और चींटी उसके भाग्य को खोल देती है और चींटी उसको एक संदेश देती है कि हमें आलस्य बनकर नहीं बैठना चाहिए। वह बालक अपने मन में विचार करता है, ये संसार में चाहे पतंग हो, जीव जंतु हो या मानव, सभी अपने कार्य में व्यस्त रहे, कोई भी आलसी नहीं है, तो फिर मैं किससे आलस करता हूँ, और प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी आलसी बनकर नहीं बैठूंगा। उसी दिन से वह विद्यालय जाना शुरू करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, जिससे वह विद्वान बन जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। वह उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमजोर कर देता है, वह कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर पाता, उसकी इच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए इस आलसी रूपी शत्रु को हमें अपने शरीर के मन से और आत्मा से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली हैं, तो हमें उस समय कुछ ना कुछ कार्य हमको करना चाहिए।